इस पे काम करता हूँ और जो मैं बिजी अपनाता हूँ उससे प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी है। पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटिंग, डेयरी फार्म में सबसे बड़ा लॉस होने का कारण ही रिपीट है। ये कसाई के पास कट जाए, निशानी भी है। मैंने खुद एक प्रैक्टिकल कराया, फर्स्ट टाइमर पड़िया के ऊपर 110% एक ही बार में होगा। ये आप लिख लीजिए कि आपका पशु अगर नहीं मानता है तो आपका पशु 3 महीने लेट हो पर ये कट जाती, कसाई खाने चली जाती, उससे तो बेहतर है। घाव लगाना अच्छी बात नहीं है, पर मैंने इसको घाव लगाया, छोटा सा होता है 3 इंच का घाव। उनकी डिलीवरी पहले नॉर्मल होती थी। जय श्री महाकाल सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार प्रीतम साकला राजपूत में। काफ़ी लोगों की डीएम कमेंट आई, अभी मैंने कमेंट भी चेक की थी कि दादा रिपीट पे वीडियो बनाओ, पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या फर्स्ट टाइमर बछिया हो या बफेलो की पड़िया हो उसको हिट पे कैसे लाएँ, मैं उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। हाँ, मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसके बाद में शायद कुछ समझ में नहीं आया लोगों को, इसलिए मैंने खुद एक प्रैक्टिकल कराया फर्स्ट टाइमर पड़िया के ऊपर, उसको कैसे हिट पे लाया हूँ। मैं जिस पड़िया के बारे में आपको बता रहा हूँ वो पड़िया की ऐसी कहानी है कि उसको आदमी बेच चुका था, जिस व्यक्ति के पास वो पड़िया थी मेरे गाँव से मेरे परिवार से, वो परेशान हो गए थे, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर से मेरे बुल के पास सब जगह ले जाने के बावजूद भी वो पड़िया प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि अभी सेकेंड लैक्टेशन में बच्चा वो दे देती। जिस पे मैंने प्रैक्टिकल करा, जो दवाई मैंने ट्रीटमेंट करा, जिस प्रकार से मैंने हुआ है, कुछ देसी नुस्खे भी अपनाए हैं, कुछ दवाइयां भी यूज़ की है। तो वीडियो पे आप बने रहिए, अगर पूरी जानकारी वीडियो की देखना है आपको तो वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए आओ तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपके लाइक कमेंट शेयर करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, पर मैं मोटिवेट होता हूँ आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मेरा मनोबल बढ़ता है, इसलिए अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। ये वीडियो बनाना मेरा मकसद यही रहा कि आपके लिए एक वीडियो नई लेके आऊँ, ताकि बार बार पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटिंग, पशु का प्रेग्नेंट नहीं होना और बार बार रिपीट होना। हो सकता है शायद मेरी वीडियो बड़ी चली जाए, पर डेयरी फार्म में सबसे बड़ा लॉस होने का कारण ही रिपीट है या प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो आप बन रही है मेरी वीडियो पर, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो पड़िया है जिसको मैंने परचेस की है, उसको प्रेग्नेंट हुआ है और आज वो 3 मंथ से ऊपर 4 मंथ के करीब प्रेग्नेंट है। मैं आपको बताता हूँ, दिखाओ नहीं पड़ी आके, मैं थोड़ा घास लेके आऊँ कल। ये देख रहे हो आप इस पड़िया को, इसको मैंने खरीदी है, इसको ये मेरे फार्म की तैयार की गई नहीं है, इसको मैंने परचेस की है। ले बेटा, अगर ये मेरे फार्म पे नहीं आती, मैं परचेस नहीं करता, तो ये कसाई के पास कट जाती। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो साधारण भाषा में सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैंस जो प्रेग्नेंट नहीं होती है, हाँ, जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिनके थन खराब हो जाते हैं, वो सीधे गूचड़ खाने जाती है, वहाँ उनकी कटाई हो जाती है। तो ये आप देख रहे हो, इसकी आप देखोगे एक बार भी इसने बच्चा नहीं दिया है, आप देख सकते हो इसकी उम्र, इसकी एज देख के, ये सेकेंड लैक्टेशन में बच्चा देने वाली होती है मेरे फार्म में, सेकेंड लैक्टेशन में क्या थर्ड में प्रेग्नेंट कर देता मैं, पर इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस पड़िया को जो इसका मालिक था, उसने डॉक्टर ट्रीटमेंट सभी ट्रीटमेंट सब कुछ करने के बावजूद भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसको मैंने परचेस की है 33,000 रुपये में। ये 33,000 रुपये में बिक चुकी थी, मैंने 2,000 एक्स्ट्रा दिए इसको, एक खाली आप लोगों के लिए सैंपल लेने के लिए कि मैं इस पर काम करता हूँ और जो मैं विधि अपनाता हूँ उससे प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है। हाँ, तो आपको इसके माध्यम से एक वीडियो बनाने के लिए मिलेगी, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टाइमर बढ़िया थी, फर्स्ट टाइमर बछिया हो जाए, जिस पे आप टेक्निक ये प्रैक्टिस कर सकते हो जो दवाई बता रहा हूँ, क्योंकि दवाइयाँ लगभग गाय और भैंस की सेम होती हैं। मैंने इसको परचेस की, उसके बाद में मैंने इसको बुल से प्रेग्नेंट करवाया, इसके अंदर मुझे इन्फेक्शन सा लगा, जब इसने डिस्चार्ज मारा तो मुझे लगा इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन जब डिस्चार्ज मारता है पशु तो इन्फेक्शन होता है एक मोटा वाला, जो अपनी नाक सर्दी होने के बाद में पक जाती है ना, उस प्रकार का वो होता है इन्फेक्शन, और जो ज़मीन पे गिरने के बाद में भी ज़मीन दिखाई दे पानी की तरह वो होता है, बिल्कुल सही साठ बच्चा था ना, क्लियर है बिल्कुल वो डिस्चार्ज। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया, मैं भैंसों में हाथ नहीं डालता हूँ, मैंने इसको उसको लगाया वेटमेट इंजेक्शन, देख सकते हो आप वेटमेट इंजेक्शन लगाने के 4 से 5 दिन बाद फिर मुझे डिस्चार्ज लगा, तो मैं डॉक्टर को बुलवा के मेट्रिसिप दवाई यूज़ की। आप देखिए दवाई मेट्रिसिप, ये इंजेक्शन की तरह है पर ये लगती नहीं है, बच्चा दाने में डलती है, इसको डॉक्टर लगाता है। आपको अगर ये समस्या है तो आप पहले ला के रखें,
क्योंकि ये महंगा प्रोजेक्ट होता है और डॉक्टर लोग को आप समझते हो 200 रुपये में 150 रुपये में डलती है, 500-600 रुपये के करीब ये दवाई आती है। फिर मैंने इसको अगले मंथ में 22 से 24 दिन बाद मेरे को ये हिट पे लगी, मुझे लगा ऐसा, क्योंकि हिट पे आने का कारण क्या होता है कि बच्चादानी फोरी डिस्चार्ज करना या रेक के आना या इसका जो पीछे का पार्ट से ये वाला इस पे सूजन आना, ये भी एक लक्षण होते हैं हिट पे आने के। हाँ मैंने देखा, उसके बाद में मैंने इसको 2 दिन तक लगातार अपने भीम से प्रेगनेंट करवाई, एक दिन नहीं करवाई मैंने, जैसे आज सुबह करवाई और दूसरे दिन सुबह भी मैंने इसको प्रेगनेंट करवाई। उसके बाद में देसी नुस्खा क्या अपनाया मैं बता दूँ आपको, ये जो वाला पार्ट्स हैं आप देख सकते हो इस पे निशान भी है यहाँ पे, रुक गया बेटा राज लीजो, इसकी पेशाब से 2 इंच नीचे, इसकी पेशाब इससे 2 इंच नीचे हमने इसको एक दराते से डाव लगाया, दराते से डाव लगाया, वो निशान आपको दिख रहा होगा, ये निशान आपको दिख रहा है, ये डाव लगाया था हमने। मैं डाव लगाने को अच्छा नहीं मानता हूँ, पर ये कट जाती कसाई खाने चली जाती उससे तो बेहतर है कि मैंने इसको बचा लिया, डाव लगाया, ये प्रक्रिया भी की मैंने, डूरोप्रोजन इंजेक्शन नहीं लगाया इसमें, फिर मैंने सभी में लगाता हूँ पर इसमें नहीं लगाया क्योंकि इसको लगा चुके थे हम पहली बार, जो जिनके यहाँ थी उनके यहाँ भी ये प्रेगनेंट होने यहाँ पे आई थी और हम डूरोप्रोजन इंजेक्शन इसको लगा चुके थे फिर भी ये प्रेगनेंट नहीं हो रही थी। आपने काफ़ी इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो देखी होगी, बार बार बुल के पास आना, तो लोगों ने कमेंट भी की थी कि दादा ये पड़िया प्रेगनेंट नहीं हो रही क्या, बार बार आप इसको बुल के पास ला रहे हो, तो आज ये 4 महीने के करीब प्रेगनेंट है। उसको डाव लगाने के बाद में हमने इसको बांध दिया अपने भीम से एक साइड, जो मेरे पशु हिट पे नहीं आता उसको मैं बुल के पास बांध देता हूँ तो उससे हिट पे जाता है। अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप उसकी पहले तो ध्यान रखिए, मैंने मिनरल मिक्सचर चालू करा, मिनरल मिक्सचर महंगा वाला चालू नहीं करा, मैंने सांची का 50-60 रुपये किलो वाला मिनरल मिक्सचर चलाया। उसके बाद में जो पशु आपका फर्स्ट टाइमर है, जो कमज़ोर है, हीट पे नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है, उसके लिए आप थोड़ा सी दाने की खुराक बढ़ा दीजिए, जो पशु आप खिला रहे हो ना उसको बढ़ा दीजिए और बेट मेट इंजेक्शन लगा दीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको उसके लक्षण नज़र आ जाएंगे। अगर फिर भी लक्षण नज़र आ रहा है तो आपके आइट साइड में आपके पास में कहीं पर भी बुल है ना, उसके पास 4 दिन के लिए आप ले जाके बांध दीजिए, ये वाली प्रक्रिया करवाई। उसके बाद में फिर मैंने इसको चेक करवाया तो प्रेग्नेंट हो गई। डाव लगाना अच्छी बात नहीं है पर मैंने इसको डाव लगाया, इससे आराम लगा, मेरी 2 बफेलो ऐसे बिगड़ रही थी, 2 या 3 बफेलो मैंने ये डाव लगाने के बाद ये प्रक्रिया सही की। उससे क्या हुआ कि कम से कम कटने से बच गई, इसकी जान ही चली जाती, कम से कम इसको थोड़ा सा डाव लगा, घाव हुआ है, ठीक भी हो गई, उस पर टोप्यूकेर स्प्रे बताया, उस स्प्रे करके मैंने 4 दिन में इसको ठीक भी कर दी, और ज़्यादा बड़ा घाव नहीं लगाना, घाव को पकाना है, छोटा सा होता है 3 इंच का घाव, 2 इंच नीचे पेशाब पे और 3 इंच का डाव लगाया था मैंने। उसके बाद में ये प्रक्रिया करने के बाद में मैंने अपने भीम से बुल से एक साइड बांध दी, उसके बाद में मैंने इसको 3 महीने बाद चेक करवाई है तो वो आज प्रेग्नेंट है। तो आपको ध्यान रखना है वेट मेट इंजेक्शन और मेट्रिसिप दवाई, ये दवाई मेट्रिसिप महंगी है, तुम्हें पता है कि मैं महंगे प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ सस्ते बताता हूँ, पर मेरी मजबूरी इसको बताना क्यों है। अगर आप इसको प्रेग्नेंट हुआते हो नॉर्मल दवाई से, सफाई करवाते हो नॉर्मल दवाई से, तो होता क्या है कि आपका पशु अगर नहीं मानता है तो आपका पशु 3 महीने लेट होता है, क्योंकि 1 महीने तो आप उसका अगले हिट पे आने का इंतजार करोगे, कहीं ना कहीं आपको लक्षण दिखा तो आप 3 महीने तक चेक नहीं कर पाओगे। तो हाँ 250-200 रुपये की दवाई से अच्छा है कि आप 400 रुपये और वेस्ट करो और 600 रुपये वाली दवाई डलवा लो, इसलिए महंगा प्रोजेक्ट बताता हूँ। अब रही बात आपकी भैंस ने बच्चा दे दिया उसके बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रही, एक बार बच्चा दे चुकी उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी है। वो कमजोरी कैसी है मैं आपको बता दूँ, मेरा उदाहरण सीधा सीधा होता है, कोई बुरा माने वैसे मानने वाली बात नहीं है, जिस प्रकार पशु पहले खुले वातावरण में हरा चारा चरते थे इसलिए उसी प्रकार खुले चरते थे तो सभी प्रोटीन पशु आहार उनको मिल जाता था प्रोटीन की मात्रा में। अभी पशु हमारा परमानेंट बंदा रहता है डेयरी फार्म में, खुलता नहीं है, तो इनको कोई प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कमियाँ हैं। उदाहरण ले लीजिए, जैसे अपने घर में माँ बहनें हैं, उनकी डिलीवरी पहले नॉर्मल होती थी, 90% या 100% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आजकल 60-70% केस में ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है। तो उसका कारण ये है कि अपन जब फर्स्ट महीने चालू होता है तो अपन हर मंथ के डॉक्टर को दिखाते हैं, और ये पशु को क्यों नहीं दिखाते, तो इनका हल्का सा ट्रीटमेंट है, ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। आपका प्रेग्नेंट नहीं होना ही वो कारण है, जब आपकी भैंस ने या गाय ने बच्चा दिया तब आपने उसकी लापरवाही कर दी। गाय भैंस बच्चा दे दे उसके बाद में ये भूलना नहीं है अपने को कि इसने बच्चा दे दिया, जड़ गिरा दी, अब ये स्वतंत्र है, नहीं वो स्वतंत्र नहीं है। आपको बच्चा देने के बाद में उसको कुनकुना पानी पिलाना है, कम पशु आहार देना है, दूध बनाने वाला नहीं देना है, हल्का पशु आहार। उसके बाद में आपको
मैंने दवाई बताई कामधेनु, वो पिलाना है, एक्सापायर पिलाना है, न्यूट्रोट्रॉन पिलाना है या इन्वोलोन पिलाना है। उसके 6 दिन बाद आप मेट्रिसिप दवाई डलवा देते हो जो मैंने बताई वो, तो आपका पशु अगली बार 110% एक ही बार में प्रेग्नेंट होगा। ये आप लिख लीजिए। अगर प्रेग्नेंट नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर जड़ खुद से गिरा दी पशु ने, तो अगर जड़ निकलवाई है तो हो सकता है आपको 2 बार मेट्रिसिप दवाई डलवाना पड़े। तो डेयरी फार्म में होने वाला सबसे बड़ा लॉस यही है, पशु का रिपीट मारना या प्रेग्नेंट नहीं होना। मैंने आपके सामने ये बफेलो बताई, ये पड़िया बताई है, ये मेरा खुद का करा हुआ प्रैक्टिकल है और सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, मेरे गांव में भी जानते हैं। मैंने इसको परचेस किए, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसकी उम्र देख के आप देख सकते हो वहाँ की, इसने बच्चा नहीं दिया है, तो मैंने इसको सुधार किया है। मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ जिस पर मैं काम करता हूँ, जिस पर मैंने प्रैक्टिकल ले लिया है। मैंने ये दवाई, ये हल्का सा डाव लगाने के बाद में ये प्रैक्टिकल लिया है, इससे पशु प्रेग्नेंट हो रहे हैं। अगर बार बार ये समस्या आ रही है तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद में बुल से हुआ ना है, आपको फिर एआई नहीं करवाना है, क्योंकि एआई में चांस कम होते हैं। ऐसा पशु आपको मिलता है तो चाहे 5 किलोमीटर दूर है बुल, आप वहाँ पे लेके जाइए। हाँ, लगभग मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो पशु संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, क्योंकि आपका वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए मोटिवेशन होता है, कि मैं उससे मोटिवेट होता हूँ मुझे आपके लाइक करने में, और कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, उससे मुझे पैसा नहीं मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं ये मेरी पढ़िया है, इसको कैसे तैयार की मैंने और कैसी है और क्या मिल्कर रिकॉर्ड रहेगा इसका। अगली वीडियो में इसी पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जो बिगड़े पशु हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके वही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री महाकाल। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the banner. Legacies.